हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के दो एग्जांपल। पहला था शेल कॉइलिंग इन लिमनिया स्नेल्स और दूसरा था कपा पार्टिकल्स इन पिरामिशम। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कुछ बचा हुआ है वो आज देखते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्म के अंदर दो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल पहला है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, ये दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हैं, इनके अंदर इनके जीन्स पाए जाते हैं और यही है जो साइटोप्लाज्म के द्वारा अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं, वंशागत होते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के समय एग और स्पर्म दोनों का संयोजन होता है। तो यहां पर योग स्पर्म एग, ठीक है, तो एग के अंदर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियर मटेरियल दोनों ही हैं, वो अगली पीढ़ी के अंदर जाते हैं या संतति में स्थानांतरित होते हैं, जबकि स्पर्म के द्वारा ओनली न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो स्थानांतरित होता है। तो यहां पर जो एग है उसके द्वारा सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल जा रहा है, जबकि यहाँ पर एग के द्वारा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियर मटेरियल जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो फीमेल है या फिर जो माता है उसी के द्वारा साइटोप्लाज्म होता है, वो अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होता है और साइटोप्लाज्म में जो जीन है, जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स हैं, वो संतति के अंदर स्थानांतरित होंगे। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो माता के द्वारा ही संतति में जाती है और साइटो इसे हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा। तो ये एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर मिराबिलिस जलापा के अंदर तीन प्रकार की ब्रांचेस देखी जाती है। पहली है ग्रीन, दूसरी पेल ग्रीन और तीसरी होगी वेरीगेटेड। तीन प्रकार की ब्रांचेस देखी जाती हैं। ग्रीन ब्रांचेस में जो पत्तियां होती है उनका कलर ग्रीन होगा, यहाँ पर पेल ग्रीन में हल्का ग्रीन या फिर व्हाइट टिश होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो तीसरा है वेरीगेटेड, तो इसके अंदर जो पत्तियां हैं वो उनके अंदर ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों प्रकार के चकते पाए जाते हैं। अब इसके ये जो ग्रीन है इसके लिए जो प्लास्टिड होगा वो क्लोरोप्लास्ट होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, जबकि पेल ग्रीन है वहां पर जो सेल्स है उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित होगा। वहीं जहां पर वेरीगेटेड जो ब्रांचेस हैं उनके उन सेल्स के साइटोप्लाज्म में तीनों प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इस तरीके से तीन प्रकार की ब्रांचेस देखी जाती हैं। अब यहां पर हम क्रॉस करवा के देखते हैं कि मेल और फीमेल का जब क्रॉस करवाया जाता है तो संतति एफएन पीडी क्या प्राप्त होती है।
तो पहला क्रॉस है जिसमें फीमेल है, उसकी जो ब्रांचेस है पत्तियों का कलर है वो ग्रीन होगा। दूसरा यहाँ पर जो मेल है वो तीनों प्रकार के हो सकते हैं, ग्रीन, पेल ग्रीन और वेरीगेटेड। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि फीमेल है उसकी जो ब्रांचेज है वो ग्रीन है, इनमें से जो मेल होगा या फिर जब यहाँ पर जो पॉलिनेशन होगा उस समय जो मेल है उनके जो पॉलन ग्रेन है या तो ग्रीन प्लांट के द्वारा हो सकते हैं या फिर पेल ग्रीन से हो सकते हैं या फिर वेरीगेटेड के द्वारा, किसी के द्वारा भी हो सकते हैं। और जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, F1PD प्राप्त होती है, तो F1PD के अंदर सारे के सारे जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ग्रीन ओनली। तो यहाँ पर जो सारे के सारे प्लांट होंगे वो ग्रीन होंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है जो फीमेल है उसके द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था, फीमेल के द्वारा जब गैमेट के फॉर्मेशन हुआ तो उसके गैमेट में जो साइटोप्लाज्म आया था वो फीमेल का था। उसी प्रकार यहाँ पर जो एग का, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था तो उसमें से कोई भी आ रहा है ग्रीन भी हो सकता है, पेल ग्रीन भी हो सकता है या फिर वेरीगेटेड होता है। अगर तो यहाँ पर जो संतति प्राप्त हुई वो ग्रीन प्राप्त हो रही, इसका मतलब यही है कि जो फीमेल का जो साइटोप्लाज्म है वही इनहेरिटेड हो रहा है। इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर हम फीमेल है वो पेल ग्रीन लेते हैं, फीमेल है वहां पर पत्तियों का कलर है वो पेल ग्रीन है और जो मेल है वो ग्रीन भी हो सकता है, पेल ग्रीन भी हो सकता है या फिर वेरीगेटेड हो सकता है। और जब यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यहां से भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा और दोनों का फ्यूजन होगा, F1PD प्राप्त होगी। F1PD के अंदर सारे के सारे प्लांट होंगे वो पेल ग्रीन प्राप्त होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि फीमेल के जो साइटोप्लाज्म में जो प्लास्टिड प्रेजेंट था वो ल्यूकोप्लास्ट था, इसी की वजह से यहाँ पर जितने भी जो F1PD के अंदर संततियां प्राप्त हो रही है वो सारी की सारी पेल ग्रीन वाली है। और अब यहाँ पर अगला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर अब लेते हैं जो फीमेल है वो वेरीगेटेड है, वेरीगेटेड है से भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा फ्यूजन होगा, F1PD प्राप्त होगी। F1PD में जो प्लांट प्राप्त होंगे हमें वो ग्रीन, पेल ग्रीन और वेरीगेटेड, तीनों प्रकार के प्राप्त होंगे क्योंकि फीमेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट तीनों प्रकार के प्लास्टिड प्रेजेंट है और इसी की वजह से यहाँ पर हमें तीनों प्रकार के प्लांट्स प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लास्टिड इनहेरिटेंस है मिराबिलिस चलापा के अंदर तो वो फीमेल या फिर जो माता का जो साइटोप्लाज्म है वो उस पे डिपेंड कर रहा है कि माता के साइटोप्लाज्म में जो प्लास्टिड है वो अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित हो रहा है, उसी की वजह से यहाँ पर जो संततियाँ हैं वो हमें ग्रीन, पेल ग्रीन और वेरीगेटेड प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर संतति का निर्धारण है वो फीमेल के साइटोप्लाज्म के द्वारा हो रहा है न कि मेल के गैमेट्स के द्वारा। ठीक है, तो हम इसको एक सर्कल के द्वारा समझ सकते हैं, सर्कल बनाकर। कि ये जो एक सर्कल बना रहे हैं ये सर्कल फीमेल को या फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि फीमेल है वो वेरीगेटेड हो सकती है, फीमेल है वो पेल ग्रीन हो सकती है या फिर ग्रीन हो सकती है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो सर्किल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल गैमेट को। और इसके बाहर जो सर्कल बनेगा वो रिप्रेजेंट करेगा मेल गैमेट को। अब यहां पर जो मेल गैमेट है वो तीनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो जो वेरीगेटेड है उसके लिए भी कौन कौन से होंगे, ग्रीन, पेल ग्रीन और वेरीगेटेड। वहीं पर जो पेल ग्रीन मेल फीमेल गैमेट है उसके लिए भी जो मेल गैमेट है वो तीनों प्रकार के हो सकते हैं, ग्रीन, पेल ग्रीन और वेरीगेटेड। वैसा ही यहां पर होगा, ग्रीन, पेल ग्रीन और वेरीगेटेड, ठीक है। अब यहां पर जो लास्ट सर्कल बनेगा वो यहां पर प्रोजेनी का बनेगा, संतति का बनेगा। तो ये जो लास्ट सर्कल है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, संतति को। अब यहां पर जो ये अंदर वाला सर्किल है ये फीमेल गैमेट को, बाहर वाला जो सर्कल है ये मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो बाहर वाला सर्कल है ये प्रोजेनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि जब फीमेल गैमेट का ग्रीन मेल गैमेट के साथ जब क्रॉस करवाया जाता है तो प्रोजेनी है वो सारे के सारे ग्रीन प्लांट वाले प्राप्त होंगे। वैसे ही जब यहाँ पर ग्रीन फीमेल गैमेट को पेल ग्रीन के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो सारे के सारे जो प्लांट है वो ग्रीन प्राप्त होंगे। और जब ग्रीन फीमेल गैमेट को वेरीगेटेड मेल गैमेट के साथ क्रॉस करवाया जाएगा तो प्रोजेनी होगी, वो ग्रीन होगी। अब यहाँ पर जो पेल ग्रीन फीमेल गैमेट है इनका क्रॉस ग्रीन, पेल ग्रीन और वेरीगेटेड के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर जो प्रोजेनी है वो सारे के सारे पेल ग्रीन ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो फीमेल के द्वारा अगली संतति में जा रहा है और फीमेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो पेल ग्रीन है उसमें ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है और जो ग्रीन है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब बात करते हैं वेरीगेटेड की, तो वेरीगेटेड के अंदर क्या है कि जब वेरीगेटेड फीमेल गैमेट का क्रॉस मेल गैमेट के साथ करवाया जाता है तब क्या होता है, तो वेरीगेटेड का जब मेल के ग्रीन गैमेट के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर तीन प्रकार की संततियां प्राप्त होगी, ग्रीन, पेल ग्रीन, वेरीगेटेड। वही जब इसका पेल ग्रीन के साथ क्रॉस करवाया जाएगा तो भी तीन प्रकार की संततियां प्राप्त होगी, ग्रीन, पेल ग्रीन और वेरीगेटेड। और यहां पर भी तीनों प्रकार की संततियां प्राप्त होगी। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि फीमेल का जो साइटोप्लाज्म है वही संतति का निर्धारण कर रहा है, वही यह निर्धारित कर रहा है कि संतति कैसी होगी, क्योंकि फीमेल के साइटोप्लाज्म में ही प्लास्टिड प्रेजेंट है। तो प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। अगला टॉपिक है मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। तो अगला टॉपिक है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म इसका मतलब ये है कि मोर देन टू एलील्स फॉर अ जीन, ठीक है, मोर देन टू एलील्स फॉर वन जीन। और फिनोटाइप, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो से अधिक एलील्स है वो एक जीन के लिए हो या फिर एक फिनोटाइप का निर्धारण करती हो तो उसे ही हम मल्टीपल एलील्स, उन्हें ही हम मल्टीपल एलील कहते हैं। और इसे हम, इस प्रक्रिया को हम मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो से अधिक एलील्स हैं वो किसी एक लक्षण का निर्धारण कर रही है, वो किसी एक लक्षण के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या फिर एक ही जीन पर दो से अधिक एलील्स प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे मल्टीपल एलील्स।
इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन एक अच्छा एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म का, जिसमें तीन एलील्स पाई जाती हैं। यहां पर तीन एलील्स पाई जाती हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। आई ओ को हम स्मॉल आई के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीन एलील्स प्रेजेंट है। ये तीनों एलील्स, जैसे कि हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक जीन के दो एलील्स होते हैं, जिनमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी होता है। लेकिन यहाँ पर तीन एलील्स प्रेजेंट है, लेकिन इनमें से कोई दो एलील मिलकर ही एक जीन पेयर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इनमें से कोई दो जीन होते हैं वो मिलकर जीन पेयर का निर्माण करते हैं। जैसे कि पहला जो जीन पेयर होगा वो हो जाएगा आई ए, आई ए, ठीक है। इसके अलावा आई ए, आई ओ, आई बी, आई बी, आई बी, आई ओ, आई ए, आई बी, आई ओ, आई ओ। तो यहाँ पर हमने देखा है कि छह जीन पेयर बन रहे हैं। यहाँ पर दो दो एलील्स को साथ में लिए तो यहाँ पर छह जीन पेयर बन रहे हैं। और इनमें से जो ये दो एलील्स हैं, ये दो एलील्स हैं, ये डोमिनेंट एलील है, प्रभावी एलील है, जबकि ये जो जीन है वो रिसेसिव है, अप्रभावी है। इसका मतलब ये है कि जब ये इसके साथ प्रेजेंट है तो प्रभाव कौन शो करेगी, ये वाली एलील। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर दोनों के जो दोनों एलील हैं वो प्रभावी हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है, यहाँ पर भी ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा, लेकिन ये कैसी है, हेटरोजाइगस है। यहाँ पर भी आई बी और आई बी दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा। यहाँ पर आई बी और आई ओ दोनों साथ में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि दोनों की दोनों प्रभावी एलील्स है वो पास साथ में प्रेजेंट है, आई ए और आई बी, जिसका मतलब ये है कि आई जब प्रेजेंट होगी तो ये ए ब्लड ग्रुप के लिए और दूसरी बी है वो बी ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होगा। और जो लास्ट है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा वो ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। तो यहाँ पर जो फिनोटाइप होगा वो चार प्रकार का है, जबकि अगर हम देखें तो जीनोटाइप है वो छह प्रकार का है, एक दो तीन चार पांच और छह। तो यहाँ पर जीनोटाइप यह वो छह प्रकार का हो जाएगा, जिसमें ये होमोजाइगस है, ये हेटरोजाइगस है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन एलील्स हैं वो किसी एक लक्षण यानी कि ब्लड ग्रुप के लिए उत्तरदायी हैं। तीनों एलील्स मिलकर ब्लड ग्रुप को निर्धारित कर दिए। अब ये जैसे कि जो एक एलील है आई ए, ये एलील है ये आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए की उपस्थिति के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि एलील ए प्रेजेंट है जीन के अंदर, तो यहाँ पर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए उपस्थित होगी और ऐसी कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। और यहाँ पर जो एंटीबॉडी होगी वो स्मॉल बी होगी। इसी प्रकार अगर हम आई बी की बात करें कि अगर जीन पर अलील आई बी प्रेजेंट है तो वहां पर जो आरबीसी होगी उसके ऊपर एंटीजन होगा वो बी प्रेजेंट होगा, और ऐसे स्थिति में जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी होगा और यहाँ पर एंटीबॉडी होगी वो ए होगी, स्मॉल ए, ठीक है। इसी प्रकार अब
जब ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो यहाँ पर दोनों प्रकार के एलील्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब दोनों प्रकार के एंटीजन भी प्रेजेंट होंगे। तो आरबीसी पर यहाँ पर दोनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए और बी, और ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी होगा। लेकिन जब ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पर न तो ए एंटीजन प्रेजेंट होता है और न ही बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो एंटीबॉडी है वो दोनों टाइप की होते हैं, ए और बी, दोनों प्रकार के एंटीबॉडी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर होता है ये कि एक ही जीन पर दो से अधिक एलील्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी लक्षण का निर्धारण करते हैं, किसी फिनोटाइप के लिए रेस्पॉन्सिबल।